पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर में पुलिस कस्टडी में पुलिस उत्पीड़न के शिकार लोगों के अदालत द्वारा बरी किए जाने के उपरांत दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिला चेयरमैन अफजल साबरी ने कहा कि 15 जुलाई 2022 को सहारनपुर कोतवाली में 8 युवकों के बुरी तरह पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी चारों तरफ निंदा भी हुई। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने 17 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन से भी मुलाकात कर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। किन किन चीज़ों को लेकर आपने धरना प्रदर्शन किया? ये हमारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन माननीय शाहनवाज आलम साहब के निर्देश पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए गए हैं। जो सहारनपुर की घटना हुई थी, मुकुल शर्मा को लेकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे थे, उसमें सहारनपुर पुलिस द्वारा उनका उत्पीड़न किया गया, उनको उठाकर बंद कर दिया गया और सबसे निंदनीय यह है कि उनको थाने के अंदर बंद करके पिटाई की गई, उसकी वीडियो वायरल की गई, जो मानव अधिकारों का हनन है। लोकतांत्रिक कोई चीज़ रह नहीं गई है हिंदुस्तान में, कोई इसका देखने वाला नहीं है। माननीय न्यायालय ने उन सबके 8 दोषियों जो पुलिसकर्मी बराबर बनाए गए थे, उनको सबको निर्दोष बाइज्जत बरी किया गया है। उसी के लेकर हमारा एक ज्ञापन दिया गया है। हमारी चार मांगे इसमें रखी गई हैं। एक तो जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा उनकी पिटाई की गई, उनको सबको FIR दर्ज करके उन पर उनको जेल जाना चाहिए, और जो 8 लड़के थे जो थे उनको 8-8 लाख रुपए का मुआवजा देना जाना चाहिए, और जो अधिकारी उनका संरक्षण कर रहे थे उनको भी सस्पेंड कर करना चाहिए, और हमारी पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।